C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arthashastra ka shabd kosh Vidyalayon ke liye Tribhashi Maashiyat ki Lughat ke liye Index C Capital Page 14 Capital Account Page 14 Capital budget. Page 14. Capital deepening. Page 14. Capital expenditure. Page 14. Capital gains. Page 14. Capital goods. Page 15. Capital loss. Page 15. Capital market. Page 15. Capital output ratio. Page 15. Capital receipt. Page 15. Capital widening. Page 15. Cardinal utility. Page 15. Cartel. Page 15. Central bank. Page 16. Ceteris paribus. Page 16. Check. Page 16. Circular flow of income. Page 16. Command economy. Page 16. Commercial Bank. Page 16. Comparative Advantage. Page 17. Complementary Goods. Page 17. Consumer. Page 17. Consumer Goods. Page 18. Consumer Price Index. CPI. Page 18. Consumption. Page 18. Consumption Expenditure. Page 18. Consumption function. Page 18. Cost. Page 18. Credit. Page 19. Credit card. Page 19. Credit squeeze. Page 19. Currency. Page 19. Current account. Page 19. So let us start with alphabet C. Page 14. C. Capital. Already produced durable goods that are used in the production of goods and services are called capital. Capital is distinguished from other goods used in production, such as land or natural resources, by the requirement that it is produced. Capital goods enhance the ability of human labor to perform economically useful work. Thus, a plough with a farmer or an electric drill with an electrician is capital. The term capital more generally is used to refer to all money and resources that are used in production of goods by a capitalist or entrepreneur in order to make more money. More recently, the term capital has been used in a broader form to include human talent and skill and is referred to as human capital. Poonji Pehle sehi Utpad tikau vasthui jinka upyog anne vasthuom vas sevam ke utpadan ke liye ki jata hai. Poonji kehlati hai. Poonji utpadan me kam ani अन्य वस्तुओं जैसे भूमि या प्राकृतिक संसाधनों से इस दृष्टिकोण से भिन्न है कि पूंजी को उत्पादित किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं मानवीय श्रम की आर्थिक रूप से उपयोगी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करती हैं जैसे किसान के पास हल तथा बिजली मिस्त्री के पास विद्युत बर्मा सामान्यतः पूंजी शब्द का उपयोग ऐसे धन तथा संसाधनों के लिए किया जाता है जिसका उपयोग एक पूंजीपति या उद्यमी अधिक धन का सृजन करने के लिए करता है अभी हाल ही में पूंजी शब्द में मानवीय कौशल को शामिल करके इसे विस्तृत धारणा का रूप दे दिया गया है जिसे मानवीय पूंजी कहा जाता है सरमाया पहले से तैयार पैदावार या अशिया को जिन्हें अशिया और खदम्त की पैदावार में इस्तेमाल किया जाता है सरमाया कहा जाता है सरमाया पैदावार में काम आने वाली दीगर चीज़ों मसलन ज़मीन या कुदरती वसाइल से उसी लिहाज से मुख्तलिफ होता है कि सरमाए की पैदावार की जाती है सरमाया जाती अशिया इंसानी मेहनत की इकतिसदी तौर पर कारामद काम करने की सलाहियत में इजाफा करती है मसलन किसान का हल या बिजली मिस्त्री का औजार लफ्ज सरमाया का इस्तेमाल अमूमन ऐसे पैसे और वसायल के लिए किया जाता है जिनका इस्तेमाल कोई सरमाकार या सनातकार और ज्यादा पैसा पैदा करने के लिए करता है हाल ही में सरमाए की अस्तलाह में इंसानी महारत को भी शामिल करके उसकी मानवीय तोसी की गई है और अब इसे इंसानी सरमाया कहा जाता है कैपिटल अकाउंट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स द लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस सच एज स्टॉक बॉन्ड्स लोन्स एक्सेट्रा एग्जांपल्स, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दिस कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल एसेट्स बिटवीन अ कंट्री And the rest रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड in इन द budget, बजट कैपिटल अकाउंट loans लोन्स एंड बोरोइंग गत लेखा एक वित्तीय विवरण जिसमें दीर्घकालिक लेनदेन जैसे स्टॉक बॉन्ड ऋण आदि का रिकॉर्ड होता है उदाहरण पहला भुगतान संतुलन में ये एक देश और शेष विश्व के बीच पूंजीगत परिसंपत्तियों का प्रवाह होता है दूसरा सरकारी बजट में पूंजीगत लेखा ऋण और उधार राशियों का रिकॉर्ड होता है सरमाया खाता एक माली गोशवारा जिसमें तवील मुद्दती लेन देन जैसे स्टॉक बॉन्ड कर्ज वगैरा का रिकॉर्ड होता है मसलन एक अदायगियों के तवाजुन में ये एक मुल्क और बाकी दुनिया के बीच सरमायासास का बहाव है दो सरकार के बजट के अंदर सरमाया खाते में उधार और कर्जों का रिकॉर्ड होता है कैपिटल बजट एन अकाउंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सी ओल्सो कैपिटल अकाउंट पूंजी बजट सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का लेखा जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय सम्मिलित होते हैं देखें पूंजीगत लेखा सरमाया बजट सरकार के असासों और वाजिबात यानी लाइबिलिटीज का खाता जिसमें सरमाए की वसूलियाबियां और सरमाए का खर्च शामिल होता है नेज देखिए सरमाया खाता कैपिटल डीपनिंग अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट थ्रू इंक्रीज इन कैपिटल employed by इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर employed. इन दिस केस द रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज लोअर दैन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल इम्प्लॉयड पूंजी संघनीकरण लगाई गई पूंजी की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करने की एक विधि जिसमें पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि हो जाती है इस स्थिति में रोजगार में वृद्धि की दर लगाई गई पूंजी की वृद्धि दर से कम होती है सरमाए की तकवीयतकारी लगाए गए सरमाए की मकदार में इजाफा करके पैदावार में इजाफे का तरीका है जिसमें मेहनत के तनासुब में सरमाए का इजाफा होता है इस सूरत में रोजगार में इजाफे की शराह लगाए गए सरमाए में इजाफे की शराह से कम होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पूंजीगत व्यय सरकार अथवा संगठन द्वारा भूमि भवन मशीनरी उपकरण आदि प्राप्त करने में किया गया व्यय सरमाया खर्च सरकार या किसी तंजीम के जरिए अराजी इमारत मशीनरी और साजो सामान हासिल करने पर किया गया खर्च Capital gains, the rise in value of a capital asset such as land or stocks. The gain is the difference between the sale price and the purchase price of the asset. Punji gat lab, poonji gat pari bhumi ya stock ke mooliyon me vridhi, lab pari sampati ke vikray और क्रय मूल्य का अंतर होता है सरमाया मुनाफा सरमाया असासों जैसे अराजी या स्टॉक की कीमतों में इजाफा मुनाफा किसी असासे की फरोख्त कीमत और खरीद कीमत का फर्क होता है पेज फिफ्टीन कैपिटल गुड्स गुड्स दैट डू नॉट वेयर आउट और गेट कंज्यूम्ड इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड they continue to serve us through different cycles of production the buildings or machines in a factory remain in use irrespective of the specific time period however new machines can be added or obsolete ones can be replaced punji gat Vastui aisi vastuen jo alp avadhi mein toot ya nahi hain ये उत्पादन के विभिन्न चक्रों में सेवाएं प्रदान करती रहती हैं जैसे किसी फैक्ट्री में भवन या मशीन का उपयोग किसी विशेष समय अवधि तक ही सीमित नहीं रहता है तथापि नई मशीनें आ जाती हैं और पुरानी बदली जा सकती हैं सरमाया अशिया ऐसी अशिया जो कलील मुद्दत में खत्म या सर्फ नहीं होती ये अपनी पैदावार के मुख्तलिफ इदारों में हमारे काम आती रहती हैं मसलन इमारतें और किसी फैक्ट्री की मशीनें वगैरह मुस्तकिल इस्तेमाल में रहती हैं अलबत्ता नई मशीनों का इजाफा किया जा सकता है या पुरानी की जगह नई मशीनें लाई जा सकती हैं कैपिटल लॉस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट्स सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंज थेफ्ट एक्सीडेंट एंड नैचुरल केटॉस्ट्रोफी एक्सेट्रा पूंजीगत हानि अप्रत्याशित घटनाओं जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन चोरी दुर्घटना और प्राकृतिक विपदाएं आदि के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी सरमाया नुकसान नागहानी वाकयात, जैसे चोरी टेक्नोलॉजी में तब्दीली हादसा और कुदरती आफात वगैरह की वजह से असासों की कद्र या कीमत में कमी कैपिटल मार्केट मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज बॉन्ड स्टॉक्स शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा आर ट्रेडेड पूंजी बाजार बाजार जिसमें दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों बॉन्डों, स्टॉक शेयर डिबेंचर आदि का व्यापार होता है सरमाया बाजार बाजार जिसमें तवील मुद्दत के माली वसाइल जैसे बॉन्ड स्टॉक शेयर्स तमिस्क वगैरह की ट्रेडिंग होती है कैपिटल आउटपुट रेशियो द रेशियो ऑफ कैपिटल टू द टोटल आउटपुट हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इम्प्लाइज दट अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूस आउटपुट पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी और कुल उत्पादन का अनुपात उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात का अर्थ है की उत्पादन प्राप्ति के लिए पूंजी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी सरमाया पैदावार तनासुब सरमाया और कुल पैदावारी माह हसल का तनासुब सरमाया और माह के ऊंचे तनासुब का मतलब ये होता है कि माँ हसल के हसूल के लिए सरमाए की बड़ी रकम दरकार होगी कैपिटल रिसीट लोन्स ग्रांट्स एड एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन पूंजीगत प्राप्ति सरकार अथवा किसी संगठन द्वारा प्राप्त ऋण अनुदान सहायता आदि सरमाया जाती वसूली सरकार या किसी तंजीम के जरिए हासिल किए गए तवील मुद्दती कर्जे अतियात और माली इमदाद वगैरह कैपिटल वाइडनिंग अ मैथड ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट थ्रू इंक्रीज इन द कैपिटल एम्प्लॉयड वेयर द रेश ऑफ कैपिटल एंड लेबर इम्प्लॉयड इज कैप्ट कॉन्स्टेंट सच अ मैथड प्रोवाइड्स फॉर द इनक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एट द सेम रेट एज द इंक्रीज इन कैपिटल इम्प्लॉयड सी ऑल्सो कैपिटल डीपनिंग पूंजीगत विस्तार उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका जिसमें श्रम शक्ति के साथ साथ पूंजी स्टॉक में वृद्धि की जाती है ताकि पूंजी श्रम अनुपात अपरिवर्तित रहे इस स्थिति में रोजगार में उसी दर से वृद्धि होती है जिस दर से उत्पादन में लगाई गई पूंजी बढ़ती है सरमाया जाति पैदावार बढ़ाने का वो तरीका जिसमें अपराधी कुत के साथ साथ सरमाया स्टॉक में इजाफा किया जाता है ताकि सरमाया मेहनत तनासुब तब्दील न हो ऐसी सूरत में रोजगार में उसी शरह से इजाफा होता है जिससे पैदावार में लगाया गया सरमाया बढ़ता है नेज देखिए सरमाए की तकवीयतकारी कार्डिनल यूटिलिटी यूटिलिटी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूटिल दिस अप्रोच टू यूटिलिटी हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मच क्रिटिसिज्म, सिंस यूटिल रिमेन्स अ हाइपोथेटिकल यूनिट एंड हैज नो इक्विवलेंट इन द रियल वर्ल्ड गणन उपयोगिता आंकिक रूप में मापी गई उपयोगिता इसके मापने की इकाई यूटिल कहलाती है उपयोगिता की ये धारणा काफी आलोचना का विषय रही है क्योंकि यूटिल एक प्राकल्पनिक इकाई है जिसका वास्तविक दुनिया में कोई समकक्ष नहीं है दर्जाती अफादियत कार्डिनल यूटिलिटी अदद में पैमाइश की जाने वाली अफादियत इसकी पैमाइश की इकाई यूटिल कहलाती है अफादियत के इस तस्वुर पर खासी नुकताचीनी की गई है क्योंकि यूटिल एक फर्जी इकाई है जिसका हकीकी दुनिया में कोई मुतबाद नहीं है यूटिल एक फर्जी इकाई है जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता कार्टिल An association of producers who agree to fix common prices and output quotas in an oligopolistic market to maximize joint profits. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, is an example of cartel operating at international level. Cartel. उत्पादकों का एक संघ जो संयुक्त लाभों को अधिकतम करने के लिए एक अल्पाधिकारी बाजार में सामान्य कीमतों और उत्पादन कोटा को निश्चित करने हेतु सहमत होता है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन ओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले उत्पादक संघ का एक उदाहरण है कार्टेल प्रोड्यूसरों की एक अंजुमन जो किसी अजारा दराना बाजार में कीमतों और पैदावारी कोटों यानी गोटास को तय करने के लिए मुत्तफिक हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुश्तरक नफा हासिल कर सके आलमी सतह पर तेल बरामद करने वाले ओपेक मुमालिक कार्टेल की मिसाल हैं पेज सिक्सटीन सेंट्रल बैंक The apex monetary institution of a country. It issues currency, controls credit and acts as the banker to the government and the other banks. It also acts as a lender of last resort to the commercial banks. Reserve Bank of India is the central bank of India. Federal Reserve System is the central bank of the United States. Kendriya Bank देश की शीर्ष मौद्रिक संस्था ये मुद्रा जारी करती है साख पर नियंत्रण करती है और सरकार तथा अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है ये वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है मर्कजी बैंक किसी मुल्क का बुलंद तरीन माली इदारा यह इदारा करेंसी जारी करता है साख यानी क्रेडिट को कंट्रोल करता है और सरकार नेज दूसरे बैंकों के लिए बैंकर का काम करता है ये कमर्शियल बैंकों के लिए आखिरी कर्ज दहिंदा की हैसियत से भी काम करता है हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक यानी मर्कजी बैंक है Riyasat Hai mutahida Amerika Ka Margazi Bank, Federal Reserve System Hai. Ceteris Paribus A Latin phrase which means other things remaining the same. It is an assumption of constant conditions used in order to study the effect of one variable on another variable, keeping all other variables constant. Ceteris Paribus लैटिन भाषा का एक वाक्यांश जिसका अर्थ है यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें, ये स्थिर परिस्थितियों के लिए एक मान्यता है इसका उपयोग एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जबकि अन्य सभी चर स्थिर रहें। सेटेरिस पेरिबस एक लैटिनी फिकरा जिसका मतलब है अगर दीगर मामला ज्यो के त्यो रहें यह कायम रहने वाले हालात के बारे में एक मफरूजा है इसका इस्तेमाल एक मतगीरा का दूसरे मुतीरा पर असर के मुताले के लिए किया जाता है जबकि दूसरे सभी मुतीत साकिन हों चेक एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पर्सन इंस्टीट्यूशन और फर्म टू अनदर थ्रू अ चेक अ पर्सन orders द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट टू द bearer फ्रॉम हर अकाउंट चेक एक व्यक्ति फर्म या संस्था से दूसरे को मुद्रा अंतरण करने का एक उपकरण कोई व्यक्ति बैंक को अपने खाते से चेक द्वारा चेक धारक को धनराशि देने का आदेश करता है चेक एक शख्स इदारे या फर्म से दूसरे को रुपए पैसे मुंतकिल करने का वसीला चेक के जरिए एक शख्स बैंक को ये हुक्म देता है कि वो इतनी रकम उसके खाते से चेक बरदार अदा कर दे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम द फ्लो ऑफ मनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अमंग हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड The diagram shows circular flow of income in a two sector model. You can see on the left side is the firms, on the right side is households. When consumption expenditure on goods and services increases, there has to be an increase in the factor income. So, circular flow of money definitely affects the factor income. आय का वर्तुल प्रवाह परिवारों फर्मों, सरकार और शेष विश्व के बीच मुद्रा प्राप्तियां और भुगतान का प्रवाह दिया गया चित्र द्विक्षेत्र मॉडल में आय का वर्तुल प्रवाह दर्शाता है आमदनी का मदूद बहाव, घर परिवार फर्म हुकूमत और बाकी दुनिया के दरमियान जर का बहाव यानी वसूलियाबियां और अदायगियां मन दर्जा बाला डायग्राम दो सेक्टर वाले मॉडल में आमदनी के मदूद बहाव को दिखाता है कमांड इकॉनमी एन इकॉनमी इन विच द डिसीजन ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जर्ट द मेजर इन्फ्लुएंस ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लांट इकोनोमी राज्य निर्देशित अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के आवंटन पर योजना प्राधिकरण के निर्णयों का विशेष प्रभाव होता है ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है हुक्मी मायशियत ऐसी मईशियत जिसमें वसाइल के एखसास पर मरकजी मनसूबाबंदी अथॉरिटी के फैसलों का खसूसी असर होता है इसको मरकजी मनसूबाबंद मैशियत भी कहा जाता है कमर्शियल बैंक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपोजिट्स एंड लेंड्स टू बोरुअर्स टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनोमी इन इंडिया कमर्शियल बैंक एग्जिस्ट बउथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वाणिज्य बैंक एक वित्तीय संस्था जो जमा को स्वीकार करती है और अर्थव्यवस्था में साख निर्माण करने के लिए मांगने वालों को उधार देती है भारत में वाणिज्य बैंक सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक दोनों में विद्यमान है कमर्शियल बैंक एक माली इदारा जो डिपॉजिटों को कबूल करता है और मशियत में साख बनाने के लिए कर्ज लेने वालों को कर्ज देता है हिंदुस्तान में कमर्शियल बैंक सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में मौजूद है पेज सेवेंटीन कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी बाय वन फर्म और कंट्री एट अ चीपर रेट रिलेटिव टू द सेम बाय अनदर फर्म और कंट्री It is based on what a firm or country can do relatively better than other firm or country. Table Production in kilograms per labor hour in two countries. Here is a table having four columns of country, rice, wheat in kilograms, and exchange rate of rice in terms of wheat relative price. In USA, when 4 kilograms of rice is equal to 12 kilograms of wheat, then the ratio of relative price will be 4 is to 12 is equal to 1 is to 3. In India, 3 kilograms of rice is equal to 6 kilograms of wheat, that is, in terms of relative price. So, the exchange rate of rice in terms of wheat, which is the relative price, will be 3 is to 6 is equal to 1 is to 2. As per the above data, even if the USA has an absolute advantage in production of both commodities in terms of their quantities, since it can produce more wheat per labor hour and more rice per labor hour compared to India, still India has a comparative advantage in production of rice compared to that of wheat. Since a kilogram of rice exchanges for three kilograms of wheat in the USA, but only two kilograms of wheat in India. On this basis, the theory argues that India by exporting rice and USA exporting wheat, both countries can be better off. Therefore, USA should specialize in the production of wheat and India. इन राइस तुलनात्मक लाभ किसी फर्म अथवा देश द्वारा एक वस्तु का उत्पादन दूसरी फर्म अथवा देश द्वारा उसी वस्तु का सस्ती दर पर उत्पादन करना ये इस पर आधारित है कि एक फर्म अथवा देश दूसरी फर्म अथवा देश की तुलना में क्या बेहतर कर सकता है ऊपर दिए गए आंकड़ों के अनुसार यदि अमेरिका को दोनों वस्तुओं की मात्राओं के संदर्भ में उनके उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है क्योंकि भारत की तुलना में प्रति श्रमिक घंटे अमेरिका अधिक चावल तथा अधिक गेहूं का उत्पादन कर सकता है तो भी भारत को गेहूं की तुलना में चावल के उत्पादन में सापेक्ष लाभ है क्योंकि अमेरिका में एक किलोग्राम चावल का विनिमय तीन किलोग्राम गेहूं के लिए होता है जबकि भारत में केवल दो किलोग्राम गेहूं के लिए इस आधार पर इस सिद्धांत का तर्क है कि यदि भारत चावल का तथा अमरीका गेहूं का निर्यात करे तो दोनों देशों को लाभ होगा अतः अमेरिका को गेहूं तथा भारत को चावल के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए वे इन दो वस्तुओं का पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय कर सकते हैं तकाबली फायदा किसी फर्म या मुल्क के जरिए किसी शय या खिदमत की पैदावार के बल मुकाबिल दूसरी फर्म या मुल्क के जरिए उसी शय या ख़िदमत की निस्बतन सस्ती शराह पर पैदावार उसका इ इस बात पर है कि एक फर्म या मुल्क दूसरी फर्म या मुल्क के मुकाबले में क्या बेहतर कर सकता है ज़दूल, दो मुल्कों की फी घंटा फी मजदूर पैदावार मजकूरा बाला आदाद शुमार के मुताबिक अगर अमेरिका को दोनों चीजों के मकदारों के हवाले से उनकी पैदावार में कुल्ली फोकियत हासिल है तब भी हिंदुस्तान को गेहूं के मुकाबले चावल की पैदावार में तकाबुली फ़ोकियत हासिल हुई चूंकि अमरीका में एक किलो चावल तीन किलो गेहूं के बदले में मिलता है लेकिन हिंदुस्तान में दो किलो गेहूं के बदले में एक किलो चावल मिलता है इसी बुनियाद पर इस उसूल की दलील है कि अगर हिंदुस्तान चावल की और अमरीका गेहूं की बरामदात करे तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुंचेगा इसके लिए अमेरिका को गेहूं और हिंदुस्तान को चावल की पैदावार में महारत हासिल करनी होगी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स टू गुड्स वेर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर पेट्रोल पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं जहां एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग में कमी आ जाती है और इसके विपरीत भी उदाहरण के लिए कार की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की मांग कम हो जाती है तकमीली अशिया दो अशिया जिनमें से एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग में कमी आ जाती है या उसके बरक्स होता है मसलन कार की मांग बढ़ने से पेट्रोल की मांग कम हो जाती है कंज्यूमर एन इकोनॉमिक एजेंट हु ऑन बाइंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए निर्णय लेता है सारिफ एक माशी आमिल यानी एजेंट जो अपनी जरूरियात की तकमील और तशफी के लिए अशिया और खिदमात को खरीदने का फैसला करता है कंज्यूमर गुड्स गुड्स परचेस्ड फॉर फाइनल कंजम्पन बाय द हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा उपभोक्ता वस्तुएं, परिवार द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं उदाहरण के लिए भोजन वस्त्र इत्यादि साफ अशिया कुनबों के जरिए पूरे तौर पर इस्तेमाल के लिए खरीदी गई अशिया जैसे गजा लिबास वगैरह। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई a statistical measure of the average change in retail prices of a given basket of goods and services purchased by the consumers in the market at a given period of time it is also called cost of living index or retail price index since the basket of goods consumed by different set of consumers is different Different consumer price indices are prepared. Examples of these are CPI for industrial workers, for agricultural labor, etc. Page 18. Keemat Suchkank, CPI. दी गई अवधि में बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई कुछ वस्तुओं और सेवाओं के समूह की खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने के लिए एक सांख्यिकीय माप ये जीवन निर्वाह सूचकांक अथवा खुदरा कीमत सूचकांक भी कहलाता है क्योंकि उपभोक्ताओं के भिन्न भिन्न समूहों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के समूह भी भिन्न भिन्न होते हैं अतः भिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इस तरह के CPI के उदाहरण में औद्योगिक श्रमिकों के लिए तथा कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई शामिल है सारिफ कीमत अशारिया सीपीआई किसी मुकर्रा मुद्दत के दौरान बाजार में सारिफों के जरिए खरीदी जाने वाली चंद चीजों और ख़िदमत के मजमूए की खुरदा कीमतों में औसत तब्दीली की पैमाइश करने का अददी तरीका इसे ज़िंदगी गुजारने का अशारिया या खुरदा कीमत आशारिया भी कहा जाता है क्योंकि सारिफ़ों के मुख्तलिफ गिरोहों के जरिए खरीदी गई चीज़ों के ग्रुप भी मुख्तलिफ़ होते हैं इसीलिए मुख्तलफ तरह के सारिफ़ कीमत अशार्ये तैयार किए जाते हैं इसकी मिसालों में सनाती कारकुनों ज़राई मजदूरों से मुतालिक अशारिये शामिल हैं कंजम्पशन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू सैटिस्फ़ाई वॉन्ट एन ऑटोमोबाइल, फॉर एग्जाम्पल हेल्प्स टू सैटिस्फ़ाई इट्स ओनर्स डिजायर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा Hence, use of the automobile will be called consumption. But use of an automobile can also be for transporting goods for sale. In that case, the use of the automobile is not called consumption. Upabhog Avashaktaon ko santusht karne ke liye ka pratyaksh liye एक वाहन अपने स्वामी के परिवहन गतिशीलता मनोरंजन आदि की इच्छाओं की पूर्ति में सहायता करता है अतः वाहन का उपयोग उपभोग कहलाएगा किंतु वाहन का प्रयोग बिक्री की वस्तुओं के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है उस स्थिति में वाहन का उपयोग उपभोग नहीं कहलाएगा सर्व ज़रूरियात की तकमील के लिए अशिया और खिदमत का इस्तेमाल मिसाल के तौर पर गाड़ी से उसके मुल्क की ख्वाहिशात और ख्वाहिशातरियात मसलन आना जाना सामान लाना ले जाना और सैर तफरी पूरी होती हैं इसलिए गाड़ी के इस्तेमाल को सारिफाना इस्तेमाल कहा जाता है लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल फरोख्त होने वाली चीज़ों की आमदोरफ़त के लिए भी किया जा सकता है ऐसी सूरत में गाड़ी के इस्तेमाल को सारिफाना इस्तेमाल नहीं कहा जाएगा कंजम्पन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड उपभोग व्यय परिवारों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय सरफी खर्च घर परिवारों के जरिए सभी आखिरी अशिया और खिदमात पर आने वाला खर्च Consumption function. Functional relationship between consumption and income. It shows us how the consumption expenditure C varies with changes in income Y. The consumption function was introduced by J. M. Keynes and written as C is equal to FY is equal to A plus BY. where A is autonomous consumption and B is marginal propensity to consume. Y is level of income and C is household consumption expenditure. Upabhog phalan Upabhog or I me phalanatmak sambandh ये हमें दर्शाता है कि आय y में परिवर्तन होने पर उपभोग c में किस प्रकार परिवर्तन होता है उपभोग फलन जे एम कीन्स ने प्रस्तुत किया था और इसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है सी बराबर F y बराबर ए जमा बी ए स्वायत्त उपभोग व्यय है तथा बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति वाई आय का स्तर है तथा सी घरेलू उपभोग व्यय सर्फा जाती अम्ल सर्फ और आमदनी के बीच अमली रिश्ता इससे ये मालूम हो जाता है कि सर्फी खर्च यानी सी आमदनी यानी वाई की तब्दीलियों से किस तरह मुख्तलिफ है सर्फी अम्ल को जे एम कैंस ने मुतारफ कराया था और इसको इस तरह लिखा जाता है सी बराबर एफ वाई बराबर ए जमा बी वाई जहाँ ए आजाद खर्च है और बी सर्फ की हाशियाई सलाहियत वाई आमदनी और सी घरेलू सर्फ खर्च है कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर और ऑन्ट्रप्रन्योर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज In economic theory, it is only the prospective cost that is taken into account for rational decision making by an entrepreneur. Costs that have already been incurred and cannot be retrieved are called sunk costs and are part of the factors to be taken into account in order to take an economic decision. Lagat वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक अथवा उद्यमी द्वारा किया गया व्यय आर्थिक सिद्धांत में एक उद्यमी द्वारा तार्किक निर्णय लेने के लिए केवल प्रत्याशित लागतों को ही शामिल किया जाता है वे लागतें जो पहले ही खर्च की जा चुकी हैं तथा जिन्हें उपयोजित रिट्रीव नहीं किया जा सकता निमग्न लागतें कहलाती हैं इन्हें आर्थिक निर्णय लेते समय शामिल नहीं किया जाता लागत चीजों और खिदमात की पैदावार में पैदाकार यानी प्रोड्यूसर और सनातकार के जरिए किया गया खर्च इकत नजरिए के तहत किसी सनातकार की फैसला साजी के अमल में सिर्फ मतूका लागतों को ही शामिल किया जाता है वो लागतें जो पहले से ही खर्च की जा चुकी हों और जिन्हें दोबारा हासिल ना किया जा सके घर के आब यानी संक लागतें कहलाती हैं यह उन अवामिल का हिस्सा हैं जिन्हें फैसलों में शामिल किया जाता है पेज 19, क्रेडिट अमाउंट लेंट टू अ बोरूअर बाय अ लेंडर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार किसी विशेष अवधि के लिए दी गई ब्याज दर पर ऋणी को ऋणदाता द्वारा उधार दी गई धनराशि कर्ज उधार किसी मखसूस मुद्दत के लिए सूद की किसी दी गई शराह पर कर्ज दहंदा के जरिए कर्ज लेने वाले को उधार दी गई रकम क्रेडिट कार्ड A card issued by a bank to its customers, giving direct access to credit up to a certain limit. It is also known as plastic money. Credit card Bank dwara apni grahakon ko jaari kiya gaya card, jo ek nishchit seema tak grahak ko seedhe udhar ki pradhan karta hai. ye plastic mudra bhi kehlata hai. Credit card बैंक के जरिए अपने ग्राहकों को जारी किया जाने वाला एक कार्ड जो एक महदूद हद तक ग्राहक को बड़ा रास्त उधार हासिल करने की सहूलत देता है इसको प्लास्टिक जर यानी प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है क्रेडिट स्क्वीज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ क्रेडिट इट इज जनरली यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन उधार अधिसंकुचन उधार के प्रवाह पर प्रतिबंध इसका उपयोग सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उधार हदबंदी उधार के बहाव पर पाबंदी आयद करना आमतौर पर सेंट्रल बैंक माली पॉलिसी की एक तदबीर के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है ताकि रकूमात की रसद को जबते में और इफराते जर को काबू में रखा जा सके करेंसी Coins and paper money issued by the central bank for circulation in the economy. In India, RBI is the sole issuing authority of currency which is the legal tender money. Mudra Currency Arth Vasthami Sanchalan Kili ke Kendri Bank Dwara Jari Kiega Sikke or Kagazi Mudra. भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करने वाला एकमात्र निर्गमन प्राधिकरण है जो वैध मुद्रा होती है करंसी सेंट्रल बैंक किसी मीशियत में जर के सर्कुलेशन के लिए सिक्के और कागजी जर जारी करता है हिंदुस्तान में आरबीआई करेंसी जारी करने का तनहा साहिब अख्तियार इदारा है करन्सी, करन्सी current Account Statement of all economic transactions taking place in the current year. Example In the Balance of Payments, BOP, current account records exports and imports in goods, services, and transfer payments. इन द कमर्शियल बैंक्स, इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट डज नॉट ऑफर एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू खाता चालू वर्ष में हो रहे सभी आर्थिक सौदों का विवरण उदाहरण पहला भुगतान संतुलन बीओपी में चालू खाता वस्तुओं सेवाओं और अंतरण भुगतानों में निर्यात और आयात का अभिलेख रिकॉर्ड है दूसरा वाणिज्य बैंकों में ये इस प्रकार का खाता है जिस पर ब्याज नहीं दिया जाता चालू खाता रवा साल के दौरान में हो रहे तमाम माशी लेन देन का गोशवारा मिसाल पहली अदायगियों के तवाजुन यानी बीओपी के अंदर चालू खाते में अशिया और खिदमात की दरामदो बरामद नेज ट्रांसफर अदायगियों का रिकॉर्ड रखा जाता है दूसरी कमर्शियल बैंकों के अंदर चालू खाते में किसी भी शराह पर सूद नहीं दिया जाता यू एर जस्ट लिस्निंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉ निर्जा रश्मि प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कॉर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन वंदना अरिमर्दन Assistance in Production, Amit Kumar. Produced and directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.